बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेकुर्दू। गाइज, अगर आपका एक YouTube चैनल है और आप चाहते हैं कि अपने YouTube पे बहुत सारे व्यूज़ गेन करें, अच्छा खासा वॉच टाइम गेन करें और अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 हाउस वॉच टाइम को कंप्लीट करें, देन आप ये वीडियो देखते रहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा तरीका जिससे आप हज़ारों व्यूज़ बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही क्विकली, बगैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के गेन कर सकेंगे। मेरा नाम है नीम जावेद, आप देख रहे हैं टेकुर्दू, लेट्स टेक इट। टेकुर्दू यूट्यूब चैनल पे आपको SEO, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, ETC के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। इसके अलावा गूगल एडसेंस, वीडियो एडिटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, एजुकेशन एंड लर्निंग, एप्स रिव्यूज और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के वीडियोज मिलते हैं। यहाँ पर आपके हर कमेंट का आंसर दिया जाता है और वीडियोज ऑन डिमांड भी बनते हैं। फाइनली, टेकुर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अमेजिंग टेक्नोलॉजिकल सफर में हमारे साथ रहिए। सो लेट्स टेक इट। ओके गाइज, एज यू कैन सी दैट ये मेरा गेमिंग चैनल है, NJMH गेमिंग के नाम से है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इसमें मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखा रहा हूँ। ये अब यहाँ पे देखिए कि ये कहता है कि आपके जो व्यूज़ है वो 314% ज़्यादा व्यूज़ हैं। ठीक है, जब अगर हम थोड़े से डिटेल्स में जाएंगे, ये मेरे नॉर्मल चैनल के व्यूज़ है। आप देखें नॉर्मल व्यूज़ ही, यहाँ से आप देखिए एक बहुत ही बड़ा स्पाइक आया है, फिर ये थोड़ा सा डाउन हो गया, फिर ये स्पाइक और फिर ये इसी तरह चलता जा रहा है। मतलब एवरेज मेरे व्यूज़ 4000 के करीब आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम नीचे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करें, ये मेरे एनालिटिक्स है, इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो हमें जो मोस्ट सक्सेसफुल रिसेंट वीडियोज़ है ये 3 नज़र आ रहे हैं। अब अगर हम देखें कि कौन सी चीज़ें हमने अपने चैनल पर कौन सा चेंज किया है जिससे एकदम से हमारे व्यूज़ इतने ज़्यादा बन गए, तो उसका आंसर है YouTube Shorts। YouTube Shorts अगर आपको पता है या पता नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये TikTok की तरह छोटे वीडियो आप बनाते हैं, मोबाइल को आप हॉरिजेंटल पकड़ के अपने वीडियो को हॉरिजेंटल फॉर्म में ला के बनाते हैं, उसको अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जिसकी लेंथ 60 सेकेंड से कम होती है और उससे आप व्यूज़ गेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें आपने अपने शॉर्ट्स में डालनी है ताकि आपके शॉर्ट्स ट्रेंडिंग में चले जाए। अब अगर हम इस वीडियो को देखें जो कि मोस्ट सक्सेसफुल है अकॉर्डिंग टू मी, इसको अगर हम क्लिक करते हैं, अब इस शॉर्ट की वजह से मुझे 9000 व्यूज़ मिले हैं। ठीक है, 9K मतलब 1000। वॉच टाइम मुझे मिला है 56 आवर्स, मुझे वॉच टाइम मिला है और इस वीडियो से मुझे 4 सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। ये वीडियो इतनी पुरानी नहीं है मेरी, ये मैंने अपलोड की थी 14 मार्च को अपलोड की थी मैंने। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए इसके व्यूज़ किस तरह है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी ये लाइव आपको स्टैट्स भी दिखा रहे हैं कि लाइव इसके व्यूज़ ये है। सो एक तो व्यूज़ आपको मिल रहा है, दूसरा वॉच टाइम आपको अच्छा खासा मिल रहा है और आपको सब्सक्राइबर्स भी साथ साथ मिल रहे हैं, तो जो आपके काम है वो हो रहे हैं। अब वीडियो की लेंथ कितनी है, वीडियो की लेंथ यहाँ पर देखिए सिर्फ 44 सेकेंड्स है। ये मेरे गेम से रिलेटेड एक छोटा सा क्लिप है, एक स्पेशल चेस्ट मुझे मिलता है वो मैं डाल देता हूं और लोग उसको जाके देखते हैं। अब YouTube Shorts में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। YouTube Shorts जब आप अपलोड करते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, आप अपने PC से भी, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, इसमें शॉर्ट्स से देखिए इतने व्यूज़ शॉर्ट्स से आए हैं, यानी कि जो यूट्यूब ऐप आप खोलते हैं मोबाइल पर तो शॉर्ट्स का ऑप्शन आता है, छोटे छोटे जो शॉर्ट्स चलते हैं आप स्वाइप करते हैं, उससे मुझे इतने परसेंट व्यूज़ मिले हैं। और जो चैनल पेजेस है उससे मुझे इतने, जो चैनल है उसके मेन पेज से जो व्यूज़ मुझे मिले हैं, यूट्यूब सर्च से इतने मुझे व्यूज़ मिले हैं, एक्सटर्नल ये व्हाट्सएप वगैरह इससे इतने हैं, और प्लेलिस्ट में जाके इतने व्यूज़ मिले हैं। अब ये दूसरे नंबर पर जो वीडियो है, ये फर्स्ट जो भी आपको दिखा दे, दूसरा नंबर पर जो वीडियो है ये भी एक शॉर्ट है। ठीक है, तीसरा ये एक लॉन्ग वीडियो है, चौथा भी शॉर्ट है, पाँचवा भी शॉर्ट है, छठा, ये सारे आप देखिए शॉर्ट वीडियोज़ है और ये सारे फ्रेश वीडियोज़ हैं और इन पे व्यूज़ आप देखें, आज 21 तारीख है, ये 20 तारीख की वीडियो है। ठीक है, ये 19 का है, ये 18 का है, ये भी 18 का है, ये 17 का, ये 15 का है। तो उस तरह, इस तरह मतलब ये है कि आपके जब शॉर्ट्स को लोग देखना शुरू करेंगे, सब्सक्राइबर गेन होंगे, तो आपके जो लॉन्ग वीडियोस है वो भी लोग देखना शुरू करेंगे, जैसे आपको मज़ीद। अब ये देखिए यहाँ पे इस पे व्यूज़ इतने अच्छे खासे, ये बिल्कुल एक फ्रेश चैनल है, एज ए गेमिंग चैनल है, और इसके जो आपके कह लें कि सब्सक्राइबर बेस्ड इसके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन शॉर्ट्स की वजह से इसके व्यूज़ भी ज़्यादा हो रहे हैं, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हो रहे हैं और उसका वॉच टाइम भी तेज़ी से कंप्लीट हो रहा है। अब आपको मैं क्विकली बताता हूँ कि शॉर्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी है। मैं इसी शॉर्ट को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखिए इसके 10 आवर्स इसने मुझे दिए हैं, 1.7 इसके व्यूज़ है और 2 सब्सक्राइबर दिए हैं। जब भी आप शॉर्ट बनाए ना, तीन बातें आपने हमेशा जहन में रखनी है। पहला ये है कि जो भी आप टाइटल बनाएंगे, टाइटल आपका कैची सा होना चाहिए,
उसके एंड में आपने एश टैग शॉर्ट्स लिखना है और शॉर्ट्स का एस कैपिटल होना चाहिए, पहली बात। अब ये जो एश टैग शॉर्ट्स है, आप इसको या तो अपने हेडिंग में लिखे या फिर उसके बॉडी में किसी जगह पे भी लिखे, लेकिन लिखना ज़रूर है, ठीक है, एश टैग शॉर्ट। बगैर एश टैग शॉर्ट के भी वीडियोज़ आपके पास शॉर्ट्स में चले जाते हैं, लेकिन उनके वायरल होने के चांसेस कम होते हैं। मेरे माई जर्नी चैनल पे भी काफ़ी जो शॉर्ट्स है वायरल हो चुके हैं, उसमें हालांकि एश टैग शॉर्ट नहीं, लेकिन ये एक बूस्टिंग पॉइंट है, तो आपने ये ऐड करना है। दूसरी बात ये है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है ये लंबा चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना है, काम की चीज़ें रखनी है इसमें, जो बिल्कुल शॉर्टली आपने बताना है कि कौन सी चीज़ किस तरह से है, और इसमें जो बाकी जो एश टैग्स है जो इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, ये दूसरी चीज़ आपने करनी है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, ये बल्कि आपको पता भी होगा कि जो शॉर्ट वीडियो है यानी कि यूट्यूब शॉर्ट है उसकी लेंथ 1 मिनट से कम होनी चाहिए। बेस्ट ये है कि 58, 59, 57 इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो कुछ यूट्यूबर्स हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट्स जो कि 15 सेकंड या 20 सेकंड के हैं वो इससे भी जल्दी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसका फिर ये है कि थोड़े से आपको वॉच टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। तो ये तीन चीज़ें मैं करता हूँ। शॉर्ट्स पे मैं अभी काम कर रहा हूँ कुछ टाइम से, मैं हालांकि मेरा जो टेक उर्दू यूट्यूब चैनल है इस पर मैंने अभी तक शॉर्ट अपलोड नहीं किए हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कर लो, क्योंकि इतने ज़्यादा वायरल शॉर्ट्स जा रहे हैं। आप यूट्यूब ट्रेंडिंग पेज देखें, उसमें शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स वायरल जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई अभी आपके पास टाइम है, शॉर्ट्स बनाइए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स बनाइए, इन तीन चीज़ों को माइंड में रखिए, बनाइए और उसके बाद अपने चैनल पर अपलोड करें, फिर आप देखेंगे व्यूज़ भी आएंगे, सब्सक्राइबर भी आएंगे, वॉच टाइम भी आपका पूरा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज्ड है यानी कि अर्निंग हो रही है, तो शॉर्ट्स पे एड्स भी आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट्स भी मोनेटाइज्ड हो चुके हैं। सो ये तो बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा व्यूज़ अगर आपको दिन में आपको 10-12 हज़ार व्यूज़ आते एक नए चैनल पर, बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें से एड्स भी आएंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी अर्निंग कितनी होगी। सो इस शॉर्ट से वीडियो में शॉर्ट तो नहीं था, खैर इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा था कि शॉर्ट्स क्या होते हैं, शॉर्ट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्ट्स के इम्पैक्ट क्या होते हैं, और क्या चीज़ें ज़रूरी होता है माइंड में रखने के लिए जब आप शॉर्ट्स बनाएंगे। इसलिए अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज नेम जावेद मोहम्मद, इज नी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।